प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच करने पहुंचा भोपाल से दल, दल पर लगाए गंभीर आरोप जनपद अध्यक्ष ने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों की जांच करने भोपाल से 8 सदस्यीय दल रीवा से गुड़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इलाकों में पहुंचा। दल की जांच प्रारंभ होते ही विवादों के घेरे में आ गई। जी हां, प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आचार संहिता लागू है, सभी अधिकारी कर्मचारी चुनाव आयोग के दायरे में हैं। चारों तरफ बात केवल विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और बेहतर तरीके से कराने की। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, जांच अभी क्यों? क्या योजना का प्रचार या फिर मतदाताओं को डराने धमकाने का प्रयास, या फिर वाकई जांच जरूरी? कुछ लोगों का कहना, जब किसी भी अधिकारी कर्मचारी को छुट्टी नहीं, काम केवल चुनाव का, तो फिर 8 सदस्यीय दल कब, कहां और कैसे भोपाल से रीवा, किसके आदेश से जांच करने पहुंच गया? यह तो बाद में पता चलेगा सच्चाई क्या है। हम तो केवल यह कहेंगे कुछ गड़बड़ है, उच्च अधिकारी जरूर इस ओर ध्यान दें। इस बारे में हमने जनपद अध्यक्ष रायपुर कचुलिया भूपेंद्र सिंह व जांच दल से बात की। हमारे पंचायतें हैं बदवार है, बरसाइता है, बंजारी है, वहाँ आज समूची टीम जाके और सचिव रोजगार सहायक पर दबाव बना के जो आवास मिले हैं और जो पुराने आदेश हैं उसको ये कह रही है कि मोदी जी आपको ये दिए हैं, क्या नाम है, आवास, इसमें अगर आप एक पैसा भी खाएंगे, अगर नहीं काम करेंगे तो आप जेल जाएंगे। तो ये कल हमारे पास रात में सचिव करीब सरपंच हमारे पास आवास पे आए, उन्होंने कहा कि उससे बचाइए, आचार संहिता है, आचार संहिता में इस तरह किसी तरह की जांच नहीं होनी चाहिए, और उनसे कुछ पैसा खर्चा के लिए डिमांड किया गया कि आप लोग थोड़ा खर्चा पैसा इकट्ठा करिए, जिसमें जो अधिकारी आए हैं आप लोग न फंसिए तो उनको पैसा देंगे। तब वो लोग सशंकित हो गए। एक हमारे जो यहाँ पे इटौरा पंचायत है, उस सचिव के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित हो गई है, वो जनपद से प्रस्तावित होकर और जिला में आई है। ये आपके जो है 1348 पत्र क्रमांक है, जो 12 को हमारे जनपद से इसी तारतम्य में जो हमारे सीएफटी के अधिकारी हैं, पीसीओ हैं और सब इंजीनियर हैं, उनको ये पत्र दिया गया है कि आप हर पंचायतों में जाके मोदी जी के जो आवास योजना है उसको पूरी तरह से दिखवाइए, अवगत कराइए और वहाँ कहिए कि मोदी जी का आवास है। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत सरकार में भी है, दिल्ली में भी है और हमारे प्रदेश में, जब तक चुनाव नहीं होता, दूसरी सरकार नहीं गठित होती है, तब तक उन्हीं की सरकार है। इसमें पूरी तरह से हमारा चुनाव प्रभावित हो रहा है और जबरन हमारे पंचायत कर्मियों पर दबाव बना के धर धमकी दे के ये कहीं ना कहीं बोर्ड की बात है, तो वो सब सशंकित हैं। हमने एक जिला कलेक्टर महोदय के पत्र लिखे हैं और उसमें सभी चीज़ लेख करके मैं दिया था, उन्होंने शायद जांच के लिए एक टीम बना दी, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण मुझे चाहिए कि जो वहाँ पे मौके पे मिल जाए, ऐसा कोई कर्मचारियों का आदेश नहीं हुआ है, ना मेरे पास आदेश है, ऐसा उनका कलेक्टर साहब का कहना था। आचार संहिता लागू है, इस समय किसी भी योजना का प्रशंसा करना या बताना शासन के लिए भी गलत होगा। हाँ, बिल्कुल, आयोग से भी आप शिकायत करेंगे? शिकायत हमने किया, फैक्स कर दिया भोपाल के लिए। नहीं, मैं आयोग से नहीं आया, मैं विकास आयुक्त कार्यालय से जो ऑर्डर हुआ उसके तहत देखने वेरिफिकेशन करने आए हम लोग कि बने हैं कि नहीं बने। किस चीज़ का वेरिफिकेशन? आवास पुराने सालों में जो बने, 13-14 कहा आवास, कौन सी योजना की आवास? ये इंदिरा आवास। किस तरह की जाँच इसमें करनी है आपने? इसमें ये देखना है कि उनको पैसे दिए हैं तो उन्होंने पूरे बनाए हैं या नहीं बनाए, कितनी स्थिति बनी। सचिवों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा? कोई सचिव के ऊपर दबाव नहीं बनाया, इस तरह की गलत सूचना है। कोई सचिव नवम्बर को हम लोगों को इसकी जांच के लिए चिट्ठी लिखी गई, उसमें 15 दिन के अंदर जांच करनी थी, दिवाली बीच में थी इसलिए उसके बाद नहीं। तो अभी फिर आचार संहिता में आपको जांच करने के लिए कौन, किसने कह दिया? ऑर्डर है सरकार, आचार संहिता में करने का ऑर्डर, जिला पंचायत में सारे ऑर्डर कर सकते हैं आचार संहिता के टाइम पे? क्यों नहीं, ये तो एक अलग प्रोसेस है। आचार संहिता में हम किसी चीज़ का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज़ का कुछ नहीं कर रहे हैं। कितने दिन से कार्यवाही चल रही है? बस मैंने कल देखा, मेरे पास 9 पंचायतें थी तो कल और आज में मेरी दोनों पंचायतें हो गई। आप लोग कहाँ से आई टीम? भोपाल से। सभी लोग भोपाल से हैं, इस तरह की वो कोई वो नहीं है। सिर्फ ये शिकायत किसी ने की है, आपके ही ब्लॉक के किसी व्यक्ति ने,
कि आवास पूरे नहीं बने, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है कि जांच मतलब ऐसी नहीं हो रही कि क्या 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 हुआ, सिर्फ उनका मकान देखा जा रहा है कि उनने कितना बनाया कितना नहीं बनाया। आप नाम तो आरोप ये लग रहे हैं कि दबाव बनाया जा रहा है सरपंच और सचिवों के ऊपर। नहीं नहीं, कोई टीम का नेतृत्व नहीं हो रहा है, अलग अलग अधिकारियों को, नहीं नहीं अलग अलग अधिकारियों को 5-5, 10-10 पंचायतें सौंपी गई हैं कि वहाँ का वेरिफिकेशन उनको करना है कि आवास कितने बने हैं। तो ये रीवा ही बस में करना है कि और भी जिलों में है? नहीं, रीवा स्पेशली, रीवा पूरे प्रदेश में और कहीं नहीं, सिर्फ रीवा। अब और कहीं का ऑर्डर हुए होंगे तो मुझे नहीं आएगी, मुझे यहाँ का मिला 10 पंचायतों का, तो मैं 10 पंचायतों कुछ ऑर्डर।